मुझे ही आती है, असल में आरती करता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और आज हम आए हैं रमन रेती, यानी कि यहाँ श्री कृष्ण जी बाल रूप ने अपने सखाओं के साथ खेला करते थे मिट्टी में। उस मिट्टी में आए, वो 5-4 साल पुरानी मिट्टी है। और ये आज के टाइम में एक आश्रम के नाम से जाना जाता है, रमन रेती के नाम से। यहाँ है, अंदर चलते हैं। यहाँ पार्किंग की व्यवस्था भी अच्छी है, केवल 10 रुपये में पार्किंग की सुविधा है। अंदर चलते हैं, आपको मंदिर दिखाते हैं। और स्पेशली यहाँ दो चीज़ें, पहला तो वो रजा है जो 5-4 साल पुरानी है, और दूसरा एक स्पेशल आरती आरती करता है। वो आरती के लिए बहुत सारे लोग आते हैं देखने के लिए। चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं रमन रेती, गोकुल रमन रेती। दोस्तों फाइनली हम उस जगह पर आ गए हैं रमन रेती में, जहाँ हिरण की मौजूदगी है। ये पब्लिक को दिखाने के लिए हिरण रखे गए हैं। देखो ये रहे हिरण। यहाँ पर 10 रुपये का दाना लेके हिरणों को आप खिला भी सकते हो आसानी से, लेकिन वो यहाँ के आश्रम वाले हैं जो इनको हिरणों को खिलाते हैं। इसका हाथ अंदर कर लो, हाथ हाथ अंदर कर लो, खा जाते हैं। तो ये हिरण है, डियर, बड़े ही प्यारे लग रहे हैं। छोटे बड़े हर तरीके के वैरायटी हैं। यहाँ पे शुतुरमुर्ग भी है, और देखने में तो ऐसा लग रहा है ये हिरण अभी अभी नहीं लाए। पहले जब मैंने देखा था तो पुराने हिरण थे सारे। उधर कितने सारे हिरण हैं, ये देखो एक दूसरे को मार रहे हैं। और ये 10 रुपये का यहाँ पर खाने के लिए मिलता है हिरणों को, वो लिया माधव ने और माधव की मम्मी ने। भाई एक्साइटमेंट के लिए बहुत अच्छी जगह है। माधव देख, माधव देख, इसको आगे खिसका दो इससे। तो भाई ये मेन रास्ता है रमन रेती के अंदर जाने का, तो इसी में चलते हैं अंदर। और एक्चुअल में जो रेत थी गोकुल की, जो कृष्ण जी में अपने सखाओं के साथ खेला करते थे, वो इसी के अंदर है। और इसकी टाइमिंग शायद शाम को 8 बजे तक की है, 8 बजे तक खुलता है। माधव डोंट रन। भाई यहाँ पर आके अजीब सा ही सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है देखने में और महसूस करने में। अब तो इसको एक आश्रम का रूप दे दिया गया है, लेकिन पहले ऐसी जगह पड़ी थी खाली, यहाँ पर कृष्ण जी खाली खेला करते थे और गोकुल में तो रहा करते थे। आपने हमें हमारे पिछले ब्लॉग में देखा था कि हम जन्मभूमि गए थे, वहाँ मोबाइल वगैरह ले जाना अलाउ नहीं था, लेकिन यहाँ आप आसानी से मोबाइल ले जा सकते हो और ब्लॉग शूट कर सकते हो। और ये इसका मेन गेट है, और इसमें एक्साइटमेंट के लिए आपको शुरुआत में हिरण मिल जाते हैं बाहर। और ये रमन रेती के अंदर प्रवेश ले लिया हमने, और हमारे ठीक सामने मंदिर भी बना हुआ है श्री कृष्ण जी का। पहले यहाँ कुछ नहीं था, एक जंगल हुआ करता था, वहाँ रेत डली थी और वहाँ अपने सखाओं के साथ श्री कृष्ण जी खेला करते थे। अब शायद कुछ टाइम बाद आरती भी होने वाली है। स्पेशल ये है कि हाथी आरती करता है अपने हाथों से, अपनी सूंड से सॉरी, और काफी समझदार आती है, सिखाया हुआ आती है, और वो शायद यही है। और हाथी को आराम से टच भी कर सकते हैं, यही आती है एक्चुअल में आरती करता है। और भाई ये है मंदिर अंदर का, और देख रहे हो भक्त किस तरह से भक्ति में लीन है। और सामने हरि भजन चलता हुआ, और इधर पीछे ही आरती है जो अभी कुछ टाइम बाद 7 बजे के आसपास आरती करेगा, 6:30 बजे। यहाँ आराम से आप दर्शन कर सकते हो। अभी पट थोड़ा मुझे लग रहा बंद कर रहे हैं, और अभी तो मंदिर के पट लग गए, क्योंकि थोड़ी देर में आरती होने वाली है। और अब हम जाने वाले हैं उस रेत में जो 5000 साल पुरानी रेत है, मेरे पीछे माथा लग गया है, लटक गया है,
और देखो ये वो रेत है जो तकरीबन 5-4 साल पुरानी रेत है और इसी में श्री कृष्ण जी अपने सखाओं के साथ खेला करते थे। और अब इस समय मौजूद बहुत सारे भक्त रेत में खेलते हुए, देखो ये सारे भक्त रेत में खेले। रेत की एक विशेष बात है कि इस रेत में कितना भी खेलो ये रेत शरीर पर तो झड़ जाती है आसानी से। और ये मंदिर 8 बजे तक समथिंग खुला रहता है। देखो सामने एक पंडित जी हैं जो कुछ लोगों को यहाँ के बारे में बता रहे हैं कि एक्चुअल में यहाँ क्या हुआ था और कैसे होता है और अब आज का कल्चर क्या कहता है। देखो वही रेत है, ये कहते हैं 5-4 साल पुरानी रेत है वाकई में, जो शरीर पर खेलने के बाद भी चिपकती नहीं है, झड़ जाती है आराम से। माधव मट्टी में खेलना है, हैं क्या बना रहा, घर बना ले चल। तो अब 7 बजे के आसपास आरती होने का टाइम हो गया है, तो उसके बाद घर भी निकलना पड़ेगा, तो आरती में सम्मिलित होने का टाइम है 7 बजे के आसपास। तो सकता हाथी आरती करे तो वो सीन भी देखने को मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, सौभाग्य होगा हमारा कि हाथी आरती करते हुए शायद हम पहली बार देखेंगे। इधर ही है वो, बाकी साहब आप देख ही सकते हो अभी भी उस मट्टी में लीन है। इस मट्टी में कभी कृष्ण जी खेला करते थे, इसी मट्टी में कृष्ण जी खेला करते थे। माधव आ गया क्या? तो पहुंचने वाले हैं उस जगह पर जहाँ हाथी आरती करेगा। अभी तो हाथी आशीर्वाद दे रहा है लोगों को और कुछ खा रहा है, खाना खा रहा है, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद शायद हाथी आरती स्टार्ट कर देगा। तो ये आरती है, तो आरती का टाइम स्टार्ट है और आरती मौजूद हो भी रही है देखो मंदिर के अंदर। लेकिन जितने लोग मंदिर के अंदर है ना उससे कहीं ज़्यादा मंदिर के बाहर हैं हाथी स्पेशल आरती देखने के लिए, और ये इंतज़ार कर रहे हैं सब लोग कि कब हाथी आरती करेगा। और 7 बजे के आसपास करता है, अंदर मंदिर में आरती चल रही है लेकिन स्पेशली लोग खड़े हुए हैं हाथी को आरती करते देखने के लिए। तो भाई हाथी भगवान की शरण में उपस्थित एक परिक्रमा पूरी करते हुए स्वयं आरती देखने आया। भाई ये नज़ारा कुछ अलग ही है, अद्भुत है और अलग ही है। अब ये सेम अपनी पोजीशन पर पहुंचेगा और वहां से फिर आरती करेगा। और ये श्री कृष्ण जी की आरती में उनकी हवा करते हुए हाथी, यानी पहले घंटा बजाया था फिर अब हवा करी है और शायद अब की बार आरती करेगा दीपक से। और देखो सीधे यहां से, तो हवा कर लो सीधे यहां से। और ये आरती के बाद का नज़ारा है, बड़ा ही अद्भुत। सामने आप राधा कृष्ण जी की प्रतिमा देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा रमन रेती का ब्लॉग, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया हो तो अगली वीडियो देखने के लिए ये वीडियो पूरी देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और फिर मिलते हैं ऐसी के लिए किसी वीडियो में श्री कृष्ण की और किसी लीला के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।